हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, हम वैसे तो कॉलेज के अपडेट देते हैं और बीच बीच में जो भी जॉब्स आती है उसको लेकर भी हम आपको अपडेट दे देते हैं। तो फाइनली एक जॉब निकाली गई है और ये जॉब है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च। ये कोई अनुसंधान है, कोई इंस्टीट्यूट है। इनकी तरफ से कुछ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है और इनकी जो वेबसाइट है विजिट कर सकते हो, www.ipr.res.in, इस पर जाके आप देख सकते हो। और ये जो जॉब्स निकाली गई है आपकी मल्टी टास्किंग स्टाफ, यानी MTS को लेकर ये जॉब निकाली गई है। तो नेम ऑफ द पोस्ट है मल्टी टास्किंग स्टाफ, कोड है पोस्ट का 101, नंबर ऑफ पोस्ट है 27, यानी 27 वैकेंसी इसमें निकाली गई है। और क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है, मतलब कि मैं ये कहूँगा कि एक चपरासी की नौकरी के लिए इसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन है वो निकाली गई है ग्रेजुएट। जी हाँ, आप देख सकते हो ग्रेजुएट मांगा गया। और आप विश्वास नहीं करोगे, यही MTS की जो जॉब है ना, अगर आप SSC वगैरह निकालता है तो वो 10वीं बेस में निकालता है, और यहाँ पे क्या मांगा गया है, ग्रेजुएट। यानी कि ग्रेजुएट बंदा MTS की नौकरी, इन्होंने उनको ग्रेजुएट बंदा चाहिए MTS जॉब के लिए। ठीक है, जो है मैंने आपको बता दिया। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात की जाए, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सपोर्ट रूटीन एक्टिविटी इन सेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट परचेज, स्टोर लाइबिलिटी, सेफ्टी, सिविल मेंटेनेंस, इट्स द जॉब रिक्वायर्ड टू वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर, यानी कि आपसे हर एक काम करवाया जा सकता है, आपको गार्ड भी बनाया जा सकता है, कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, यानी क्लर्क की नौकरी भी आपको मिल सकती है, MS Word, MS Excel आपके पास आना चाहिए, एंड एबिलिटी टू रूटीन क्रॉस्पेंडेंस, हिंदी इंग्लिश आपको बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। ये सारा जॉब डिस्क्रिप्शन है। मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ का मतलब है कई एक बंदा कई सारे जो काम कर पाता हो। पीरियड की बात की जाए, द अबव ऑफ द पोस्ट ऑफ प्योरली टेम्परेरी ऑफ द पीरियड 2 ईयर, यानी कि ये जो जॉब है ये 2 ईयर की पीरियड की है, मतलब कॉन्टैक्ट बेस है, और मे बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर टू पार्ट ऑफ देयर ऑफ डिपेंडिंग एन इंस्टीट्यूट। अगर आप अच्छा काम करते हो, 1 साल और बढ़ाया जा सकता है, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर है। यानी कि ये जो जॉब निकाली गई है ये तरीके से इंटर्नशिप टाइप आप कह सकते हो, कॉन्टैक्ट बेस्ड जॉब है। ठीक है, सैलरी क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी 18,000 प्लस पर मंथ मिलेगी आपको। एज लिमिट है आपकी 30 ईयर से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए एज। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर सिंपल है, द ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव ने रिस्पॉन्स द एडवर्टाइजमेंट सेल भी कंप्यूटर बेस्ड ऑन द बेसिस ऑल क्राइटेरिया लाइक एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैटेगरी सर्टिफिकेट, फी रिसीव, इट्स ऑन इट अ वैलिड एप्लीकेशन सेल बी कंसिडर द फर्दर प्रोसेसिंग, सिलेक्शन वुड बी द सोली फेस ऑन द मेरिट ऑफ मार्क्स ऑफ टेंडर रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट बाई द इंस्टीट्यूट ऑफ द पोस्ट। यानी कि एक MCQ बेस्ड एग्जाम होगा, उसमें जो भी नंबर आएगा उसके बेस पे आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, रिटर्न एग्जामिनेशन आपका रहेगा, क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ठीक है, मतलब वही SSC वाले क्वेश्चन रहेंगे। 4 है इसमें, जनरल नॉलेज रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहेगा, कंप्यूटर रीजनिंग रहेगा। ठीक है, द टाइप एग्जामिनेशन भी इंक्लूड द क्वेश्चन रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस स्किल एंड ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। ठीक है, एक्स्ट्रा स्किल मार्निंग मांगी गई है। ए मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द देयर मार्क्स इन द रिटर्न टेस्ट विल बी प्रिपेयर्ड, द मेरिट लिस्ट विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिशिंग द रिजल्ट ड्यूरिंग द वैलिडिटी पीरियड। ठीक है, एप्लीकेशन फीस क्या लगेगी देख लेते हैं। SC ST और फीमेल, ऑल कैटेगरी फीमेल, SC ST और ऑल कैटेगरी फीमेल, PWD, EWS, एक्स सर्विस मैन, NIL X, शून्य बटा सन्नाटा, बाकी अदर कैटेगरी यानी बॉयज जनरल है, OBC बॉयज है, उनकी फीस जाएगी 200 रुपये। ठीक है, तो पेमेंट के लिए इन्होंने अपना बैंक डिटेल दे रखा है आप भर। ठीक है, ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हो, जनरल इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो फॉर्म आ चुके हैं, जिसको भी करना हो भर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट जो रहेगी वो आपकी 27 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, अप्लाई का ये लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। प्रूफ क्या क्या मांगे हैं इन्होंने, प्रूफ ऑफ एज का, 10वीं का मार्कशीट, एजुकेशनल मार्कशीट लगेगी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ एनी अगर है लगा देना, सर्टिफिकेट कास्ट इकोनॉमी, कॉपी ऑफ पेमेंट रिसिप्ट, पेमेंट करके उसकी कॉपी लगानी है। ठीक है, तो बाकी प्लीज़ डोंट डेयर द नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज एप्लीकेशन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन केस एनी इशू फ्लिंग द एप्लीकेशन, कोई प्रॉब्लम आता है तो आप इनको मेल कर सकते हो, रिक्वायरमेंट @ipr.res.in पर। ठीक है,
तो बस यही था, और ये वैकेंसीज हैं 27 वैकेंसीज, और जिसको भी बनना हो ग्रेजुएट बेस पे एमटीएस की जॉब निकाली गई है। तो वीडियो कैसी लगी जो होता है।